स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन सीरीज के पार्ट 16 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी वो कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पॉलिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दो एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में, जो कि है विंड एंड वाटर। ये दोनों क्या है? एबायोटिक फैक्टर हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। फिर आ जाते हैं बायोटिक फैक्टर जो, या फिर बायोटिक एजेंट्स जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स क्या यूज करते हैं? बायोटिक एजेंट, मतलब एनिमल्स के थ्रू वो लोग पॉलिनेशन करते हैं। ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ प्लांट यूज ए बायोटिक एजेंट, बहुत ही कम ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ए बायोटिक एजेंट्स को यूज करते हैं। पॉलन ग्रेन्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड पॉलन ग्रेन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन, यानी जब विंड और वाटर पॉलिनेशन होता है विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू, तो वो एक चांस फैक्टर होता है। 100% श्योर नहीं होता कि पॉलिनेशन होगा ही होगा, विंड या वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। टू कम्पनसेट फॉर दिस अनसर्टिनिटीज, ये जो अनसर्टिनिटीज है, ये शॉर्ट शॉर्ट चीज़ नहीं है कि 100% श्योर नहीं है कि पॉलिनेशन होगा कि नहीं होगा। फ्लावर क्या करता है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉलन प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू द ओव्यूल्स जो पॉलिनेशन के लिए अवेलेबल, जो हर केस में होता है। कि जैसे ह्यूमन के केस में भी स्पर्म्स बहुत सारा प्रोड्यूस होते हैं, और अगर आपकी बात करते हैं ओवा की, तो वो इतना एक ही अमाउंट में होता है, एक या दो, लाइक डिपेंड करता है कि जो चीज़ लाइक जैसे यहाँ पे हम बात करें उसकी पॉलन ग्रेन की, तो वो मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा एनर्मस अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि कुछ अगर वायबल नहीं भी रहे, कुछ अगर यूज़ के नहीं भी रहे, लेकिन समझ लीजिए 50-100 एक नॉर्मल दे रही हूँ, इससे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो एटलीस्ट उसमें से दो तो पॉलिनेट कर ही देंगे। इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। क्योंकि आप देखो जो प्लांट है ना, उसका जो ओवरी और ओव्यूल है वो अंदर होता है, ठीक है, तो वो कहीं पे हवा में उड़ के नहीं जा सकता। लेकिन एक चीज़ जो हवा में उड़ सकती है वो है पॉलन ग्रेन। नाउ नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग एबायोटिक पॉलिनेशन। अगर हम बात करते हैं एबायोटिक की, जिसमें कोई एनिमल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो उसमें विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वो ज़्यादा कॉमन होता है। विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर दैट द पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी सो दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट्स। अब उसने क्या बोला, अगर विंड पॉलिनेशन हम चाह रहे हैं कि पॉलिनेशन हो विंड के थ्रू, तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि पॉलन ग्रेन लाइट हो, हल्के हो, नॉन स्टिकी हो, मतलब वो कहीं पे भी चिपके नहीं, ताकि इजीली वो विंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो पाए। दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज स्टेमेंट्स। अब जो भी पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है, उसमें स्टेमन बहुत वेल एक्सपोज होता है, खुला होता है, ताकि क्या होता है, पॉलन बहुत ईजिली डिस्पर्स हो जाए विंड करंट के थ्रू, हवा में बहते बहते पॉलन आराम से चला जाए। बहते बोल दिया मतलब हवा में उड़ते उड़ते पॉलन आराम से चला जाए, और जो वेल एक्सपोज स्टेमन है, बिल्कुल खुला स्टेमन है, उस पर लैंड कर जाए। दूसरी चीज़, एंड लार्ज ऑफ एन फेदरी स्टिग्मा, थोड़ा बड़ा स्टिग्मा होता है, फेदरी स्टिग्मा होता है, वो क्या करता है, एयर, जो एयर में पॉलन ग्रेन होता है उसको बहुत ही ईजिली कैप्चर कर लेता है। एक विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इनफ्लोरसेंट एंड वेल एक्सपोज स्टेमेंस। यहाँ पे क्या है, बहुत ही एक्सपोज स्टेमेंस हैं, देख लो फेदरी भी है, तो क्या होगा, ईजिली कोई भी पॉलन यहाँ पे स्टक हो जाएगा। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, जो भी विंड से पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, उनमें क्या होता है, सिंगल ओव्यूल होता है इन ईच ओवरी। क्या होता है, सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इनफ्लोरेसेंस। कई सारे फ्लावर्स पैक्ड होते हैं। अ फेमिलियर एग्जाम्पल इज द कॉर्न कॉब। अगर आप कॉर्न का पेड़ देखोगे, तो आप जो जहाँ पे कॉर्न उगता है उसको हम बोलते हैं कॉर्न कॉब, जहाँ पे कॉर्न होता है। द टेसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा। जो ये आपको हवा फेदरी फेदरी चीज़ें दिख रही है ना, कुछ नहीं है, ये स्टिग्मा है एंड स्टाइल विच हैव इन द विंड टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स। जो किस लिए है ये, अगर आपको एक बार दिखा देती हूँ, अगर ये एग्जाम्पल दें, तो ये जो पार्ट है फेदरी सा, किस लिए है, ताकि ईजिली आपका जो पॉलन ग्रेन है वो क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए। नाउ इस ये सारा हमने पढ़ लिया पॉलिनेशन बाय विंड। नाउ वी विल स्टडी अबाउट पॉलिनेशन बाय वाटर। ओके, पॉलिनेशन पर वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनर्स, मोस्टली मोनोकोटिलेडन्स। पानी से जो पॉलिनेशन होता है वो रेयर होता है, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स में रेयर है, और कुछ 30 जेनर वाले जो मोनोकोटिलेडन्स हैं उनमें ही है ये, ठीक है। जैसे होता है ना जीन्स वगैरह, जेन जो कहते हैं स्पीसीज, फिर जेनर लेवल पे, तो सिर्फ 30 मोनोकोटिलेडन्स तक होता है।
अराउंड बता दिया इसने। एज अगेंस्ट दिस यू विल रिकॉल दैट वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमेट अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप सच एज एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट। अगर हम अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करें पुराने, तो हमें पता चलेगा जो वाटर है वो एक नॉर्मल मतलब एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। किस केस में? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इस केस में वो नॉर्मल है, ताकि क्या हो, आपके जो भी मतलब गैमेट हैं, मेल गैमेट्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। ये भी माना जाता है कि कुछ ब्रायोफाइट, सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट, दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ द नीड फॉर वाटर। कि कुछ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ज़्यादा फैल नहीं पाए, हर जगह वो इतने इजीली देखने को नहीं मिलते, क्योंकि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है या उनका फैलना किस वजह से लिमिटेड है, उनको पानी की ज़रूरत होती है मेल गैमेट के ट्रांसफ़र के लिए। लाइक एंजियोस्पर्म बहुत इजीली देखने को मिलते हैं हर जगह पे, लेकिन ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा वाइड एरिया में देखने को नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उनको पानी की ज़रूरत होती है एंड मेल गैमेट के ट्रांसफर के लिए इस चीज की जरूरत होती है, ठीक है? तो वो पानी उन्हें हर जगह नहीं मिलता, जिस वजह से वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर, कुछ ऐसे प्लांट्स जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन दिखाते हैं, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, और विच ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सेवरल मरीन सी ग्रासेस सच एज जॉस्टेरा। कुछ फ्रेश वाटर में या मरीन सी ग्रासेस में देखने को मिलते हैं, जैसे कि जॉस्टेरा, मतलब कुछ फ्रेश वाटर में और मरीन जो इन्वायरमेंट होता है थोड़ा सॉल्टी, वहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है? नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। अब एक और फैक्ट जो इसने बताया वो ये कि सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट्स पानी को यूज नहीं करते फॉर पॉलिनेशन। मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हयासिंथ एंड वाटर लिली, जो फ्लावर है वो क्या करता है, पानी के लेवल से ऊपर आता है और उसको इंसेक्ट या फिर विंड क्या करते हैं, पॉलिनेट करते हैं। इसको हाईलाइट कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। कई सारे वाटर प्लांट्स वाटर के थ्रू पॉलिनेट नहीं करते, लाइक वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली। अगर वाटर के अंदर है कि वो वाटर से पॉलिनेट नहीं होते तो कैसे होते हैं? एग्जाम्पल देती हूँ, ये पानी का लेवल है, ठीक है? अब ये प्लांट है तो इसका जो भी है ना वो ऊपर है, समझ लीजिए कोई बर्ड है या कुछ भी है, वो ऊपर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आके कोई पॉलन गिर गया, बहुत ही रफ डायग्राम बना रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग एनी प्रॉपर पेन, तो ये क्या होगा, यहाँ पे पानी के थ्रू तो कोई पॉलिनेशन नहीं हुआ ना, विंड या फिर किसी इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन हुआ है। तो ये वाटर हायसिंथ और वाटर लिली इसका एग्जांपल है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है अगर आप चाहते हो कि स्कोर करो अच्छा, क्योंकि कुछ नया देखिए आता है, टफ होता है एग्जाम, बट कंसेप्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग है वो उनको देखना है। आपने कितना रटा है वो नहीं देखते वो लोग, वो देखते हैं कि आपको चीज़ें कितनी पता हैं। तो हो सकता है इन्हीं में से कोई चीज़ पूछे और आपको आइडिया ना हो, क्योंकि हम एग्जाम्पल्स को इग्नोर कर देते हैं, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखनी है। वेलिस्नेरिया की बात करते हैं, फीमेल फ्लावर रीच द सर्फेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक। जो फीमेल फ्लावर होता है वो पानी के सरफेस पे एक लंबी सी डंडी होती है, स्टॉक उसके थ्रू पहुंचता है और मेल फ्लावर या पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं सरफेस ऑफ वाटर पे, ठीक है? फीमेल फ्लावर सरफेस ऑफ वाटर पे पहुंचा लंबी सी स्टॉक के थ्रू, फिर मेल फ्लावर और पॉलन ग्रेन पानी सरफेस पे आ जाते हैं, उसके बाद वाटर के थ्रू, वाटर करंट्स के थ्रू इजीली वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। मैं एक बार यहाँ पे देख देती हूँ, ये देखो पॉलिनेशन बाय वाटर इन वेलिस्नेरिया, देख लेते हैं। ये लॉन्ग लंबी लंबी स्टॉक्स दिख रही हैं आपको, ये रहा फीमेल फ्लावर, मैं इसको भी हाईलाइट करती हूँ, ये है फीमेल फ्लावर, ठीक है? ये स्टिग्मा है, मेल फ्लावर है। वाटर करंट के थ्रू क्या होता है, ऐसे ऐसे उसके पास आ जाते हैं और फाइनली उसको फर्टिलाइज कर देते हैं। नाउ इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, कुछ और कैटेगरी ले लेते हैं जब वाटर पॉलिनेटेड प्लांट की, तो वहाँ पे क्या होता है, सी ग्रासेस फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर। जैसे कि सी ग्रास का एग्जांपल है ये, कि जो फीमेल फ्लावर है वो पानी में सबमर्ज्ड रहता है, उसके अंदर डूबा रहता है, और पॉलन ग्रेन पानी के अंदर ही रिलीज होते हैं, यानी कि फीमेल फ्लावर भी पानी के अंदर है और पॉलन ग्रेन भी पानी के अंदर ही रिलीज हुआ है। पॉलन ग्रेन इन मैनी सच स्पीसीज आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड दे आर कैरिड पैसिवली इन साइड द वाटर। ऐसे केस में, ऐसी स्पीसीज में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन है वो लॉन्ग है, छोटे छोटे से नहीं है, लॉन्ग है, रिबन लाइक है और ईजिली पानी उनको कैरी कर लेता है,
सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन, कुछ उनमें से कहाँ पहुँचते हैं, स्टिग्मा तक पहुँचते हैं और पॉलिनेशन कर पाते हैं। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटिंग स्पीसीज पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय अ म्यूकिलोजेनस कवरिंग। अगर हम बात करते हैं कई स्पीसीज में, मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज में जो वाटर के थ्रू पॉलिनेट होती है, पॉलन ग्रेन हम बोल सकते हैं कि यार पानी में अगर रहते हैं, पानी में ही पॉलिनेशन होता है तो गीले हो जाते होंगे पॉलन ग्रेन्स, बट यहाँ पे क्या होता है पॉलन ग्रेन प्रोटेक्ट होते हैं कैसे, एक म्यूकिलोजेनस कवरिंग होती है, पॉलन ग्रेन के आसपास एक कवरिंग होती है जो उसको गीला होने से बचाती है। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। तो विंड और वाटर से पॉलिनेट होने वाले फ्लावर्स दोनों ही कलरफुल नहीं होते और ना ही वो प्रोड्यूस करते हैं नेक्टर। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि ऐसा क्यों होता होगा। मैं बोल रही हूँ कि जो प्लांट्स या कुछ भी ऐसे फ्लावर्स जो विंड से या वाटर से पॉलिनेट होते हैं, दे आर नॉट कलरफुल, नॉट दे प्रोड्यूस नेक्टर। ऐसा क्यों? देखिए, जब कोई चीज़ बायोटिक फैक्टर से पॉलिनेट होती है तो उनको चाहिए होता है कि अट्रैक्टिव हो, प्लांट जो फ्लावर है उसमें कलर हो, ताकि क्या हो, मधुमक्खी, बी, एनी इंसेक्ट, वो सब आके उसके ऊपर बैठे उसके कलर को देख के। देखना येलो कलर से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। दूसरी चीज़ नेक्टर की खुशबू, नेक्टर के लालच में वो आके प्लांट के ऊपर बैठते हैं। तो ये रिवॉर्ड्स के चक्कर में वो बैठते हैं और उसके चक्कर में फिर क्या होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस आपका ये पॉलिनेशन अच्छे से हो पाता है। लेकिन जब बात है विंड और वाटर से पॉलिनेट होने की, तो फिर वहाँ पे तो सवाल ही नहीं उठता कि बहुत ज़्यादा कलरफुल हो। क्यों? क्योंकि वो चाहे कलरफुल हो नहीं हो, भाई हवा और पानी तो उसको लेके जाएगा ही जाएगा। तो ये रीज़न होता है कि वो बहुत ज़्यादा कलरफुल हो नहीं होते, और दूसरी चीज़ वो नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, सो ये जो पार्ट था इसमें हमने कवर किया कि जो पॉलिनेशन होता है, जो इसके एजेंट्स होते हैं, उसमें दो एजेंट्स को हमने डिस्कस किया, एबायोटिक एजेंट्स, दैट इज विंड एंड वाटर। क्या? एक विंड और एक वाटर को हमने डिस्कस किया कि किस तरह से दोनों पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, क्या क्वालिटी होती है, किस फीचर के थ्रू वो पॉलिनेशन कर पाते हैं। ठीक है, नाउ अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे जो पॉलिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ बायोटिक एजेंट्स। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, बट इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोगों ने पॉलिनेशन देखा बाय एबायोटिक फैक्टर, दैट इज विंड, जो ऊपर के पैराग्राफ में पढ़ा, नीचे वाटर के बारे में। नाउ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आप बेल बटन आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चलेगा। और दूसरी चीज़, बायोलॉजी की वीडियोस देखने के लिए और जो मैंने बनाई हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे चेक कर सकते हैं, इस सीरीज़ की, रिप्रोडक्शन सीरीज विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। वरना डायरेक्टली प्लेलिस्ट पे चले जाइए या होम पेज पे चले जाइए, बायोलॉजी ऑप्शन होगा, बायोलॉजी प्लेलिस्ट में आपको सारी वो क्लासेस वीडियोस मिलेंगी जो मैंने आज तक कवर करी है। उसके अलावा डायरेक्टली आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, वहाँ पे 12th बायोलॉजी, 11th बायोलॉजी, वेरियस काइंड ऑफ वीडियोस आई हैव मेड अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स, और इकोलॉजी पे भी मैंने पूरा एक वास्ट एरिया कवर किया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।